अच्छा घर में सबसे ज्यादा लव्ड जोड़ी फिलहाल सिद्धनाज की है, आप तो रह के भी आजकल आप देख चुके होंगे, आपको कितना डिफरेंट लगता है इनका रिश्ता बाकी के कंटेस्टेंट्स के कंपैरिजन में? यार जो मैंने जब मैं आ रही थी तो तब सिद्धनाज एज सच नहीं थे, सिद्धार्थ इंडिविजुअली आई रियली लाइक देम एज अ पर्सन, बिकेम अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन इन दोस टू वीक्स. सना मुझे उस टाइम इतनी समझ में नहीं आई, मुझे ऐसा लग रहा था कि शी इज फेकिंग टू बी whom she's not, and वो obviously attention seeker है, वो तो खुद बोलती है I'm very happy with her, which I used to feel, मुझे थोड़ी घबराहट होती थी because she was an attention seeker, but उस टाइम मुझे ये लगा कि शहनाज का जब आने के बाद मैंने दोनों की केमिस्ट्री देखी है रियली लग बिकॉज आई थिंक उन दोनों में एक बड़ा क्यूट सा बॉन्ड है विच इज वेरी लाइक सिद्धार्थ की तरफ से इट्स अ वेरी मेच्योर्ड बॉन्ड जो एंजॉय करता है उसको छेड़ के, एंड सना हैज दैट टिपिकल जब शुरू में आपकी तब एक बहु गैंग बोल के यू नो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, आरती आप देवलीना रश्मि, सो आपको क्या लगता है अब बहु गैंग में से सिर्फ वैसे रश्मि और आरती ही बचे, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कौन टॉप थ्री हो सकते हैं घर के अंदर? यार पहली बात उस टाइम भी आई डिनाइड दिस कोई बहुगैंग नहीं था बिकॉज मेरी दोस्ती सिद्धार्थ के साथ लाइक ऐसे बहुत अच्छी हो गई थी, पारस रियली रिस्पेक्टेड मी अलॉट, माहिरा हैड बिकम वेरी क्लोज टू मी, उस टाइम भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंडशिप के लेवल बहुत लोगों के साथ हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं था, दे वर ट्राइंग टू टेल मी समथिंग जो मैं शायद समझ जाती थी, आई कुड हैव स्टेड देयर फॉर लॉन्गर सो आई डोंट टेक इट अवे, बट अब टॉप थ्री में मुझे ऑनेस्टली शहनाज तो आई थिंक could also be a winner. Right. She has to really keep herself a little calm sometimes. But Sana has a chance of winning. Right. Siddharth has been a strong contender from the beginning. मैंने अभी कोई पेस्ट्री खिलाने का कुछ एक वो था जहाँ पे कंगना आई थी पहले तो आग बंद काजोल एंड काजोल ऐसे ना आग बंद करके I was like Siddharth ने आग बंद की एंड टॉप फेवरेट को खिला देना, I was like are you serious मतलब because he is as a player as a game player he is outstanding. मतलब मैंने उसको कभी भी चाहे वो उसका वो उठाने वाला हो क्या वो डॉग इन द बोन कौन सा होता एक होता है कहीं पे था छोटे से छोटा कास्ट ले लो बड़े से बड़ा ले लो इट्स लाइक ही जस्ट he's just very good at it. Very attentive. He's very attentive. He और जो चीजें बोलता भी है वो मतलब 15 साल पहले वाली भी बिल्कुल करेक्ट बोलता है तो इट्स रियली नाइस यू नो. So Siddharth could be a potential winner. Sana, Asim also. I think Asim from where I saw him, ऐसा नहीं था कि तब नहीं होता था. From the day one, he was very clear about the things he would say loudly. But I think अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा Asim lost हो गया. He needs to come back because his score is very strong. You know, from the bringing up that he has, he comes from a very like you know जहाँ पे होते हैं ना family होती है जो बोलती है यार तू कर हम हैं तेरे पीछे. You know, he comes from a very strong family. I think very strongly bounded family. So he should not forget that and he should just stick to his ground, Asim also according to me, very potential.